हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टेल ऑफ द नाइन टेल्ड सीजन 2 का एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लियन और ली रंग ट्रेन में होते हैं। ये दाइसंग से टकरा जाते हैं और वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। फिर लियन और ली रंग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहां पर एक आदमी स्मोक कर रहा था। लियन उस पर बहुत गुस्सा करता है पर ली रंग उसे समझाता है। फिर हम हांजू को देखते हैं जो मयोयोंग रेस्टोरेंट की ओनर थी, वो वहाँ पर तैयार हो रही होती है। आगे हम लीरंग के साथियों को भी देखते हैं जो लीरंग के साथ आए थे। फिर हम कुछ कोरियन लोगों को देखते हैं जिन्हें कैदी बनाया था। इनमें लियोन का साथी शिंजो भी होता है जिन्हें मंचूरिया लेकर जा रहे थे। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोन इस वक्त की टेल्यूपा के पास आता है और उसे बताता है कि उसको फ्यूचर टेल्यूपा ने यहाँ किसी काम के लिए भेजा था और मैं समय पर उस काम को नहीं कर पाया, इसलिए वो डोर बंद हो गया और मैं इस वक्त में रह गया। क्या तुम मुझे वापस भेज दोगी? तो टेल्यूपा कहती है हाँ जरूर, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें एक लेजेंडरी पाइप मुझे लाकर देनी होगी। और इसीलिए लियोन और लीरंग ट्रेन में होते हैं। फिर सिंजो कहता है मैं ऐसे मर नहीं सकता, हमें कुछ करना होगा। इसीलिए वो जैकेट उतारकर नीचे रखता है और उसके ऊपर कुछ कागज रख देता है। जब जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर जाती है वो उस कागज को आग लगा देता है, उन सैनिकों को मारकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है तो लीरंग के साथी सभी ट्रेन को लूट लेते हैं। ये सब देखकर लियोन लीरंग से कहता है ये सब तुम्हारे आदमियों का काम है? तो लीरंग कहता है हाँ, तुम्हें लेजेंडरी पाइप चाहिए। आगे लियोन उस लूटे हुए सामान को देख रहा होता है। वो कहता है इनमें वो लेजेंडरी पाइप नहीं है। इतने में बंटीस बॉस आके दोनों को बताता है वो पाइप तो चोरी हो गया। तो वो कहते हैं किसने किया? इतने में एक लड़की की आवाज आती है। वो उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं लियोन हांजू को देखता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। हांजू फॉर्मर माउंटेन गॉड ऑफ द वेस्ट होती है। लियोन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो हांजू कहती है हम बहुत देर बाद मिल रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम अभी भी उस लड़की को भूले नहीं हो? इतने में ये दोस्त है ये दुश्मन? तभी हांजू कहती है मैं तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ हूँ। और लियोन को वो पाइप देते हुए कहती है मैंने सुना तुम इसे ढूंढ रहे हो, तो ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। लियोन उस पाइप को लेकर लीरंग को देता है और हांजू से कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर हांजू उससे थप्पड़ मारती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। वो अपने बॉडीगार्ड से कहती है जाओ मेरे वेडिंग गिफ्ट को वापस लेकर आओ। दूसरे सीन में शिंजो को पुलिस गोली मार देती है और वो सभी लोगों को पकड़ लेती है जो लोग कैदी थे। वो पुलिस वाला एक लड़के से पूछता है तो प्लान किसका था और उसे गोली मारने लगता है। तभी शिंजो आ जाता है और वो सभी को मार देता है। फिर हम लियोन और हांजू देखते हैं। हांजू उसे पूछती है तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? तो लियोन कहता है क्योंकि मैं पहले से ही किसी और का हूँ। तो हांजू कहता वो औरत तो मर चुकी है। लियोन कहता है तभी भी मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। ये सुनकर वो लियोन से कहती है क्या तुमने मुझे आज दो बार रिजेक्ट किया? और फिर वो तलवार से लियोन पर हमला करती है। दूसरी तरफ हांजू का बॉडीगार्ड लीरंग पर हमला करता है पर लीरंग उसे हरा देता है। फिर हांजू फाइट करते वक्त ट्रेन से बाहर गिर जाती है। लियोन ये देखकर बहुत खुश होता है पर तभी हांजू उसे ट्रेन को रोक देती है और ट्रेन के अंदर आ जाती है। लियोन ट्रेन के बाहर लीरंग को देखता है और ट्रेन से भाग जाता है। दूसरी तरफ शिंजो भी सभी कैदियों के साथ ट्रेन से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हों को देखते हैं। यहाँ उसका ब्रदर इन लॉ उसके पिता को बताता है उन्हों को पुलिस ने पकड़ लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए क्योंकि उनको लगा था कि मैंने बॉम्ब फेंका था। तभी उसका ब्रदर इन लॉ कहता है वो उन्होंने ही थी क्योंकि उस सस्पेक्ट के शोल्डर पर गन शॉट का निशान था। ये सुनकर उन्हों के पिता उसका शोल्डर चेक करते हैं पर वहां पर निशान नहीं होता। ये देखकर उन्हों भी बहुत हैरान होती है। फिर हम शिंजो को देखते हैं जो बहुत भूखा था तो वो बंटिस बॉस के पास आता है। वो लोग उसे पहले कुछ खाने के लिए देते हैं फिर उसे कोई ड्रिंक पीने को देते हैं जिसे पीकर वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसके कपड़े शूज और वेडिंग रिंग वो लोग ले गए। फिर हम लियोन को देखते हैं वो टेल्यूपा से मिलने आता है। वो उसे वो पाइप देता है और कहता है मुझे अब वापस भेज दो। तो टेल्यूपा कहती है वो दरवाजा सिर्फ लूनर इनक्लिप्स वाले दिन ही ओपन होता है। तो लियोन कहता है ये कब है? टेल्यूपा कहती है 29 दिन के बाद। लियोन कहता है मतलब एक महीना? इतने दिन में यहाँ नहीं रह सकता, मेरी वाइफ को मेरी फिक्र हो रही होगी। तो टेल्यूपा उसे बताती है इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, दोनों समय में वक्त अलग होता है। तुम यहाँ पर एक महीना रहोगे तो वहां पर कुछ दिन ही होंगे। फिर वो उसे गार्डियन स्टोन के बारे में पूछती है कि तुम इसे संभाल कर रखना, आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा,
नेक्स्ट सीन में हम मोयंग को देखते हैं। वो मास्क वाला आदमी होता है जो कॉफिन बना रहा था। तभी उसके पास उन्हों आती है शराब लेकर। अब तुम्हारा कोई उधार नहीं है मुझ पर, क्योंकि पिछली बार मोयंग ने ही उन्हों को पुलिस वालों से बचाया था और उसका घाव भी ठीक किया था। फिर वो उसे कॉफिन में लेटने के लिए कहता है। उन्हों कहती है, यहाँ लेटकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और उसे बताती है मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली थी, मुझे वो बहुत याद आती है। ये सुनकर मोयंग भी बताता है उसका एक बड़ा भाई था, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे मार दिया था। तो उन्हों उससे पूछती है, तुमने उसका बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? तो वो कहता है, हाँ मैं बदला लूंगा। नेक्स्ट सीन में लीरंग लियोन से पूछता है तुम कौन हो, और उसे फोन दिखाता है जो लियोन का था। लियोन उससे फोन लेकर अपनी फोटो क्लिक करके उसे दिखाता है और उसे कहता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक महीना रहना होगा और ये सब छोड़ना होगा। फिर लीरंग मान जाता है। फिर लियोन उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है। वहाँ लीरंग को एक लड़की टाई बांधने में मदद करती है। फिर वो मायोंग जाते हैं। वहाँ लियोन को पता चलता है ये रेस्टोरेंट हांजू का है। लियोन बहुत ट्राई करता है वहाँ से बाहर जाने की, पर हांजू उसे धमकी देती है, अगर तुम किसी और होटल में रुके तो मैं उस होटल को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये सुनकर लियोन यहाँ रहने के लिए मान जाता है। अगले दिन लियोन इन लड़कियों से पूछता है, तुम्हारी मैडम के यहाँ सभी तारीफ करते हैं? तो वो लड़कियाँ कहती हैं, हाँ इस पूरे शहर में हमारी मैडम जैसा कोई है नहीं। लियोन पूछता है उसके इतने अमीर होने का क्या सीक्रेट है? तो वो लड़कियां बताती हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। फिर लियोंग हांजू के पास जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे लिए मास्क वाला आदमी ढूंढो। तो हांजू उसे कहती है, पर इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लियोन पेंडेंट कॉम्पिटिशन में जाता है। वहाँ उसे उन्हों मिलती है। वो उससे बात करता है, पर उन्हों उसे कहती है वो उसे नहीं जानती। फिर वो लियोन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो मायोंग की ओनर को होना चाहिए। तो लियोन कहता है, उसने मुझे भेज दिया। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है। कंपटीशन में जो लड़की जीत जाती है वो फोटो क्लिक करवाते समय ज़ॉम्बी बन जाती है और वो एक लड़की को काट लेती है। फिर वो उन्हों की तरफ आती है, पर तभी लियोन आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो लड़की बाहर जाकर एक और इंसान को काटती है। उस इंसान को काटने के बाद वो मोयंग की तरफ आती है। मोयंग उसे कॉफिन में बंद कर देता है। फिर लियोन उन्हों से पूछता है, तुम क्या जानती हो इसके बारे में? तो वो बताती है, मैंने सुना है इस शहर में सारी खूबसूरत लड़कियां यक्स में बदल रही हैं। इन सब में एक ही कॉमन बात है कि ये सब सुंघा से हेयर सैलून में जाती थी। फिर लियोन लीरंग के साथ इस हेयर सैलून में जाता है और उसे बताता है कि अगर हम ये केस सॉल्व कर दे तो हांजू मास्क वाले आदमी का पता लगाएगी। फिर वो दोनों सैलून के अंदर जाते हैं और वहां काम करने लगते हैं। उनके हैंडसम होने की वजह से सैलून में बहुत कस्टमर आने लगे थे। अगले सीन में हम उन्हों को देखते हैं जो मयूंग के घर के बाहर बैठी हुई थी और वो उससे तीन वर्म के बारे में पूछती है। तो वो उसे बताता है, ये तीन कीड़े अगर इंसान के दिमाग में चले जाएं तो ये इंसान के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तभी उन्हों को अंदर से कुछ आवाज आती है। तो वो उससे पूछती है, क्या कोई अंदर है? तो मयूंग उससे कहता है, हाँ गेस्ट है, पर अंदर वही लड़की होती है जो जॉम्बी बन गई थी। नेक्स्ट सीन में सिंजो डिलीवरी मैन का काम करने लगता है। वो खाने की डिलीवरी करने उसे सैलून में आया था, पर सैलून की मालिक उसे अंदर आने से मना कर देती है और कहती है कि तुम खाना बाहर रख के चले जाओ। नेक्स्ट सीन में लीरंग सबको अंदर चाय दे रहा था, तभी उसके साथी सैलून के बाहर आ जाते हैं। वो उनके पास जाता है क्योंकि उसने उनसे शीशा मंगवाया था, पर जब वो शीशा लेकर अंदर आता है वो देखता है सभी औरतें ज़ॉम्बी बन गई थी। वो उनको बांध कर एक रूम में बंद कर देते हैं। फिर लियोन लीरंग को बताता है वो कीड़े क्रीम में नहीं शैम्पू में थे। तो लीरंग कहता है ये किसका काम हो सकता है। तभी ये औरत आती है और उन पर हमला करती है। लियोन लीरंग को कहता है तुम शीशा लेकर आओ। लीरंग उसे शीशा दिखाता है तो उसका फेस जलने लगता है और वो बताती है उसको ये रेड एंड व्हाइट मास्क वाले आदमी ने करने को कहा था। जैसे ही वो ये बताती है वो जलकर मर जाती है। अगले सीन में हम मयूंग को देखते हैं। वो उस कॉफिन को जंगल में लेकर आता है और कहता है सिर्फ तुम ही हो जो कीड़ों से बच गई, अब मैं तुम्हें शैतान बनाऊंगा। तभी हांजू आ जाती है। वो उसे कहती है मास्क वाली आदमी तुम ही हो, पर क्यों? तो मयूंग कहता है जिस मयूंग को तुम जानती थी अब मैं वो नहीं हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर हांजू उसके गले लग जाती है। और दूसरी तरफ लीरों के साथ ही सभी सैलून की औरतों को ठीक कर रहे थे। फिर लीरंग और लियोन जा रहे होते हैं और लियोन गाना गा रहा था और वही गाना लियोन सुनकर कहता है ये गाना कोई और भी गा रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ सिंजो होता है। वो उसे बुलाता है। सिंजो लियोन को देखकर भाग कर आता है और उसके गले लग जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड सेकंड खत्म हो जाता है।